हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी दिस इज मी अर्जिता एंड अगर आप लीगल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं यानी कि अगर आप एक लॉयर हैं या एडवोकेट हैं या जज बनने का सपना देख रहे हैं या फिर अगर आप एक आम नागरिक हैं एक नॉर्मल सिटीजन है जिनका लॉ से कुछ भी लेना देना नहीं है तो हमेशा या कभी ना कभी आपके माइंड में दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई जो लॉयर्स हैं या ये जो जज लोग होते हैं ये काले सफेद या ग्रे कपड़े क्यों पहनते हैं मतलब कुछ और ऐसे अच्छे से नाइस आंखों को अपने

कि जो ब्लैक कलर होता है वो बहुत गर्मी हीट वैसे भी करता है। तो काफी लोग इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि यार, काला कलर ही पीछे रीजन क्या था मोटिव क्या था Now, सेशन स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो प्लस जो भी मेरे अपकमिंग सेशन है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलती रहेगी डोंट स्टडी जुडिशरी का सबसे पहला फाउंडेशन लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है जो कि स्टार्ट हो रहा है कब से बारह जून से ठीक है तो दिन में आपकी दो क्लासेस हुआ करेंगी द फर्स्ट क्लास इज गोइंग टू द इवनिंग यहां इस लाइव बैच कोर्स में प्रिलिम्स की मेंस की इंटरव्यू की तीनों स्टेजेस की प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है फुल तो वेबसाइट कहां पे है किस तरीके से आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं ये सारी चीजें एक बार सेशन के एंड में मैं आपको बता दूंगी अब देखिए अगर हिस्टोरिकली हम बात करें ठीक है तो ये जो लॉयर्स के कपड़े हैं ये जो ब्लैक व्हाइट का कॉम्बिनेशन है या ये जो ब्लेजर्स पहनना है नेक बैंड डालना है इसका कहीं ना कहीं हिस्ट्री में बहुत पुराना कनेक्शन है जैसे कुछ लोग एक, एक और एक स्टोरी आपकी ये भी है कि फेब्रवरी 1685 में जब किंग्स

आरे ही कपड़े काले जो कपड़े हैं इसलिए भी पहनते हैं यानी कि कहीं ना कहीं एक डिग्री ऑफ एनोनिमिटी यहां पे रहती है यानी आपने नोटिस किया होगा कि भाई आप किसी भी साइड को रिप्रेजेंट करो आप पेटिशनर के साइड से हो आप रिस्पोंडेंट के साइड से हो आप किसी तो <literalisation> तो तो भी तरीके तो के जज हो आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो हाई कोर्ट के तो जज हो ठीक है आपके कपड़ों से ये कोई नहीं बता सकता कि आप किस साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो यानी कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी दिखाना ठीक है साथ ही साथ कि आप किस साइड को रिप्रेजेंट करते हैं आप पिटिशनर के साइड से हैं रिस्पोंडेंट के साइड से है तो एक यूनिफॉर्मिटी यहां पे दिखाने के लिए जो है ये काले कपड़े आपके डिसाइड किए गए थे साथ ही साथ हिस्टोरिकली एक और स्टोरी एक और कहानी आपके ये कहती है कि इंडिया या 1327 जो एडवर्ड थ्री थे उन्होंने यहाँ पे ये ड्रेस कोड आपका निकाला था हम सब अच्छी तरीके से चीज जानते हैं कि इंडिया का जो लॉ है उसमें बहुत ज्यादा भारी इन्फ्लुएंस ब्रिटिश लॉ का भी देखा जाता है तो जब ब्रिटिश में एडवर्ड थ्री जो है उन्होंने ये ड्रेस कोड बनाया था लॉयर्स के लिए जजेस के लिए एडवोकेट्स के लिए कि ज... जब भी आप रॉयल कोर्ट अटेंड करोगे उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा काले कपड़े यहां पे पहनने पड़ेंगे तो हिस्टोरिकली अगर हम बात करें ये दो कहानी आपकी हो जाती है ठीके? अब अगर 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 देखिए क्वेश्चन आए कि इंडिया चाहता चाहता भारत अगर चाहता, तो जरूरी नहीं था कि हम ब्रिटिशर्स को पूरी तरीके से फॉलो करते हम चाहते तो कोई और कलर यहां पे लेके आ सकते थे लेकिन काले और सफेद पह, कपड़े पहनना अपने आप में कुछ चीजों को दर्शाते हैं किसी पर्टिकुलर चीजों के सिंबल होते हैं जैसे कि एक और स्टोरी आपकी हिस्टोरिकली ये कहती है कि उस

ऑल्सो ब्लैक कोट का रीजन ये भी है ब्लैक कलर का रीजन ये भी है कि ब्लैक जो कलर है आपका वो अथॉरिटी और पावर को यहां पे दिखाता है ठीक है कि हम जो है हमारी जो ये अथॉरिटी है हमारी पावर है कि हम सोसाइटी में एक डिफरेंस ला सकते हैं किसी को इंसाफ यहाँ पे दिला सकते हैं साथ ही साथ एक और चीज जो ब्लैक कलर यहाँ पे सिग्निफाई करता है वो ये है कि हम जब काला कलर पहन के ब्लैक कलर पहन के कोर्ट में जाते हैं वकीलों की तरह केस लड़ते हैं या एज अ जज हम जब कुर्सी पे बैठते हैं तो वो काला कलर हमारा सबमिशन दिखाता है कि हम अपने आप को लॉ के लिए जस्टिस के लिए न्याय के लिए जो है पूरी तरीके से सबमिट करते हैं समर्पित करते हैं तो ये भी कुछ रीजन है काले कपड़े पहनने के अब अगर व्हाइट की बात करें कि जो शर्ट होती है वो व्हाइट होती है जो नेक बैंड होता है वो व्हाइट होता है तो व्हाइट कलर का यहाँ पे रीजन क्या है तो देखिए व्हाइट जो कलर है वो कुछ चीजों को दिखाता है दैट इज अच्छाई हो 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 गई 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 इनोसेंस और आपकी प्योरिटी प्योरिटी पे प्यूरिटी यहाँ पे हो गई। तो वाइट जो कलर है वो बेसिकली रखा गया है कॉमन मैन के लिए उस आदमी के लिए उस पर्सन के लिए जिसके लिए ये वकील लोग लड़ रहे हैं जिसको इंसाफ दिलाने के लिए हम यहाँ पे कोर्ट में जाते हैं ठीक है प्लस ये भी मानना है कि ये जो दो कलर किबिनेशन आपके रखे गए हैं काला और सफेद

ठीक है काला सफेद जो है पूरी तरीके से हो जाएगा और ये काला सफेद जो है ये सिर्फ और सिर्फ सबूत के गवाह पे होता है एविडेंस के बेसिस पे होता है यानी लॉ जो है वो किसी और चीज को यहाँ पे वेटेज नहीं देता प्लस जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे रखी गई है दैट इज कि आप किसी भी साइड को रिप्रेजेंट करो आप पिटिशनर के साइड से हो आप रिस्पॉन्डेंट के साइड से हो ठीक है आप एक क्रिमिनल को रिप्रेजेंट करो आप एक बेगुनाह को आप एक विक्टिम को यहां पे रिप्रेजेंट करो ठीक है सारे वकील किसी भी तरीके का वकील हो किसी भी तरीके का एडवोकेट हो किसी भी तरीके का जज हो वो सब सेम कलर ही पहनेंगे ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के कलर अलग होंगे और जो नीचे कोर्ट्स के जो कलर जजेस हैं उनके कलर यहां पे अलग किए जाएंगे यानी कहीं

ब्लैक इसकी शुरुआत बेसिकली ब्रिटिश जो है वो वहां से हुई थी ब्रिटिश कंट्री में ब्रिटिश लॉ में ये चीजें आपकी फॉलो की जाती थी एंड क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश लॉ का इतना ज्यादा इंफ्लुएंस है तो इंडिया में कभी इस चीज को यहां पे चेंज करने की कोशिश नहीं की गई अब अगर हम बात करें कि जो गले में वकील लोग नेक बैंड डालते हैं जैसे कॉलर भी आपका बोला जाता है ठीक है तो यहाँ पे कॉलर का रीजन बेसिकली ये है कि भाई कहीं जो इंग्लिश कोर्ट्स थे वहां वहां के जो लॉयर्स थे बैरिस्टर्स थे वो यहाँ पे ये व्हाइट कॉलर बैंड जो है वो पहना करते थे ठीक है तो यहां पे इंडियन कोर्ट्स में भी क्या किया गया उस चीज को फॉलो करवा दिया गया लेकिन ये जो नेक बैंड आप गले में डालते हो इसका पर्पस क्या होता है इसका मतलब क्या होता है तो वो जो नेक बैंड है उसको बेसिकली डिराइव किया गया है क्रिश्चियन ओरिजिन से यानी जो आपका क्रिश्चियन रिलीजन है उससे वो दो नेक बैंड आपके जो है वो किए गए हैं कि यहां पर भाई आप एक रिस्पेक्ट जो है वो देने की कोशिश कर रहे हो देश का जो कानून है देश का जो लॉ है आप यहां पे उसको रिस्पेक्ट करोगे उसको अपहोल्ड करोगे जो कि भगवान के द्वारा सबको दिया गया

कि भाई ये जो ब्लैक एंड व्हाइट पहनने का रूल है कि का, जो प्रॉपर एक ड्रेस कोड आपका यहां पे है कि इंटर्न्स को क्या पहनना चाहिए एडवोकेट्स को क्या पहनना चाहिए जजेस को क्या पहनना चाहिए ये पूरा ड्रेस कोड एक्चुअल में जो इंडिया का एडवोकेट्स एक्ट 1961 है उसमें भी लिखा हुआ है कि भाई ब्लैक रोप पहनना ब्लैक ब्लेजर पहनना व्हाइट बैंड पहनना ठीक है ये सारी चीजें एक्चुअल में एक प्रॉपर ड्रेस कोड है जो कि लॉयर्स के लिए एडवोकेट्स के लिए जजेस के लिए इंडिया में प्रिस्क्राइब किया गया है तो अगली बार अगर आप लॉ पर्सन है या नहीं भी है अगर आप लीगल फील्ड से नहीं भी बिलोंग करते हैं और कोई कर, कभी आपसे पूछता है कि वकील जो है वो काले कपड़े ही क्यों पहनते हैं इतनी गर्मी में भी तो रीजन वकील काला कोट पहनते हैं। Now, जैसे कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि स्टडी आईक्यू जुडिश्री का जो है यहाँ पे लाइफ फाउंडेशन बैच आ रहा है दो के लिए जिसमें आपको प्रिलिम्स मेन्स इंटरव्यू तीनों की तैयारी आपको करवाई जाएगी अब देखिए अगर मैं बताऊं कि इस कोर्स में आपको मिलती क्या क्या चीजें हैं उसके पहले बात कर लेते हैं कि आप इस कोर्स को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं तो कुछ नहीं करना है गूगल पे जाना है स्टडी आई क्यू जुडिशरी टाइप करना है जैसे ही टाइप करोगे ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी इस वेबसाइट पे यहाँ पे सबसे पहला कोर्स आपको दिख जाएगा लाइफ फाउंडेशन बैच इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कोर्स में आपको चीजें क्या क्या मिलेंगी तो आपको सारे मेजर सब्जेक्ट्स यानी मेजर लॉज हो गए माइनर लॉज हो गए जीके हो गया करेंट अफेयर हो गया लीगल हो गया इन सबकी लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर किसी रीजन से किसी कारणवश जो है वो आप इस लाइव क्लासेस को मिस भी कर जाते हैं तो वो लाइव क्लास बाद में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगी अगले दो साल के लिए यानी ये ये मत सोचिएगा कि ये कोर्स आपको सिर्फ एक साल के लिए मिलेगा ये आपको आपको साल के लिए यहां पे पे मिलने वाला है उसके साथ डेली बेसिस एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां पर करवाया जाएगा भाई लेट से कोई भी फैकल्टी कोई भी चीज आपको आ, पढ़ा के गया यहां पर ठीक है तो उस चीज को आप बाद में एक्सेस कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको यहां पर डेली बेसिस पे एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे जो भी

आप जैसे ही कोर्स में एनरोल करेंगे ठीक है यहां पे आपको एक सेपरेट एक डेडिकेटेड मेंटोर असाइन किया जाएगा कोर्स से रिलेटेड किसी भी चीज को समझने से रिलेटेड ठीक है या फिर किसी भी और तरीके की दिक्कत परेशानी आपको हो रही है कोई गाइडेंस चाहिए कोई स्ट्रेटजी चाहिए सारी चीजें आप इस मेंटोर पर मेटोर से यहां पर डिस्कस कर सकते हैं तो कोर्स में एनरोल करने के तुरंत बाद आपको एक मेंटोर यहां पर असाइन किया जाता है जिनके थ्रू आप सारी चीजें यहां पर डिस्कस कर सकते हैं अब इतनी सारी चीजें एक कोर्स में आपको कितने प्राइस में मिल रही है इज इट फॉर फोर्टी नहीं तो अगेन यहां पे बाइना ऑप्शन पे आप जाओगे बायना ऑप्शन पे जाके यहां पे एक ऑफर कोड प्रोमो कोड ऑप्शन लगाने ऑप्शन उप, उप, जो है आपको यहां पे दिखेगा तो यहां ऑब्वियस सी बात है हमें कौन सा डिस्काउंट कोड कौन सा प्रोमो कोड लगाना है दैट इज ए आर जे ए आर जे बेसिकली है क्या मेरा नाम आप जानते ही हो अर्जिता उसके नाम के स्टार्टिंग के तीन अक्षर ए आर जे ठीक है तो जैसे ही ये डिस्काउंट कोड आप यहां पे लगाओगे ये पूरा कोर्स तो एक साल का बेसिकली ये कोर्स होगा जिसमें आपका पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा एंड डोंट वरी ऐसा नहीं है एक साल के लिए ये कोर्स आपके पास रहेगा एक साल के बाद भी आप उन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अगले दो साल के लिए अवेलेबल रहेंगे सो दिस ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्रिपल नाइन यू आर नॉट इन्वेस्टिंग फॉर वन ईयर बट फॉर टू ईयर दो साल के लिए आपको ये सारी चीजें इसमें मिल रही है ठीक है जिसमें आपको मेंटोरशिप और बाकी सारी चीजें सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा यानी की प्रिपरेशन से रिलेटेड ठीक है प्रिलिम्स की स्टेज पे मेंस की स्टेज पे इंटरव्यू की स्टेज पे तीनों स्टेजेस पे जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं लगती हैं, वो सारी चीजें आपको यहां में मिल रही है so, अगर लाइव से किसी के कुछ डाउट्स हैं कुछ क्वेश्चन है यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विथ मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ठीक है कोई भी चीज आपको पूछनी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं बाकी सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा शेयर करना मत भूलिएगा एंड चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सो एल सी यू गाइ सून विद अनदर सेशन टिलन टेक केयर ऑल द बेस्ट फो यर प्रिपरेशन बाय बाय